नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोटा प्रिंटर केयर में। आज प्रिंटर है एचपी लेजरजेट P1108। इसमें एक तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक प्रिंट देता हूँ इसमें। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा तो वर्टिकल लाइंस दे रहा है इसके अंदर बहुत सारी, देख सकते हैं आप। साथ में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये डबल इम्प्रेशन या डबल प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं दे रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी दे रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और ऐसे ही वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ कैनन के अंदर, कैनन MF 3010 के अंदर, जिसमें डबल इम्प्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आइए देखते हैं तो दोस्तों किस तरह की प्रॉब्लम है। मैं इसकी कार्ट्रिज निकाल लेता हूँ बाहर। कार्ट्रिज को इसको खोल के देख लेते हैं दोस्तों। डबल इम्प्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइट प्रिंटिंग, अगर वीडियो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कैनन MF 3010 मल्टीफंक्शन लेजर प्रिंटर के अंदर, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो। कार्टेज को खोल लिया है दोस्तों मैंने। देख सकते हैं दोस्तों MR पे भी लाइनिंग्स है। अगर आप चाहें तो ये MR भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको DTP में प्रिंट निकालना है। और अगर आपको सिंपल टेक्स्ट निकालने हैं वर्ड एक्सेल में तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप MR को भी चेंज कर लीजिए। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। ये डबल इम्प्रेशन जो आ रही है ये मोस्टली ड्रम या PCR से रिलेटेड होती है, या फिर आपकी वाइपरबिलिटी बहुत ज़्यादा गंदी होगी तब भी प्रॉब्लम आती है। और आप ये देख सकते हैं जो लाइन्स आ रही है ये ड्रम की भी हो सकती है, PCR की भी हो सकती है, मैग्नेटिक रोड की भी हो सकती है, और डॉक्टर ब्लेड की भी हो सकती है, और वाइपर ब्लेड की भी हो सकती है। मोस्टली वाइपर ब्लेड से भी प्रॉब्लम आती है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसका ड्रम प्रेस स्क्रैच है, देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका ड्रम तो चेंज करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसका PCR भी दोस्तों मुझे खराब लग रहा है, तो इसका PCR भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों तो मैं आपको बराबर दिखा नहीं पा रहा। इसकी ब्लेड मुझे सही लग रही है, आप चाहें तो ब्लेड चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लेड सही लग रही है। तो मैं अभी हाल फिलहाल इसमें सिर्फ PCR और ड्रम चेंज करके देखता हूँ हमारी प्रिंटिंग कैसी आती है। मैं इसमें दूसरा PCR डाल देता हूँ दोस्तों।
मैं इसमें दूसरा पीछे डाल देता हूँ दोस्तों, साथ इसका ड्रम भी चेंज कर देते हैं। पहले आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो ओरिजिनल लाइन में भी मैंने ड्रम पीसीआर चेंज किया है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इसमें भी देख लेते हैं, वर्टिकल लाइन आ रही है बहुत सारी, डबल इम्प्रेशन आ रहा है। इसका स्क्रू भी लगा देते हैं, फिर से पिन देख के देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी वर्टिकल लाइंस की, डबल इंप्रेशन की, इतना अच्छा प्रिंट है दोस्तों, देख सकते हैं। ये इसका पहले का प्रिंट था, देख सकते हैं दोस्तों, आइए आप देख सकते हैं ये पहले का प्रिंट था जिसमें ये वर्टिकल लाइंस आ रही थी, डबल इम्प्रेशन आ रहे थे, आप देख सकते हैं आप ये डबल इम्प्रेशन, ये इस जगह पे भी है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये अभी का प्रिंट है दोस्तों, अभी निकाला है, आप देख सकते हैं कितना साफ है और प्रिंटिंग कितनी फर्स्ट क्लास है। आप एक और प्रिंट लेकर देख लेते हैं, दो तीन प्रिंट हम लेके देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप जरूर से ड्रम पीसीआर और वाइपर ब्लेड के लिए भी मैं कहूँगा कि इस वाइपर ब्लेड को चेक कर लीजिए या हो सके तो चेंज कर लीजिए, लेकिन मेरे केस में वाइपर ब्लेड बिल्कुल सही है, कहीं से भी खराब नहीं लग रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर से चेंज कर लीजिए। मैं एक प्रिंट आउट निकाल के देख लेता हूँ दोस्तों, और दोस्तों जरूर से अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। 12 AK 88 AK 88 AK 88 और जो जो काटेज में बहुत मिले देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा पेंट है।